हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर वन की जो डेट है वो आप लोगों की कब तक आएगी और किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है? कल एक आप लोगों के बहुत सारे कल मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आए कि भैया डेट अनाउंस कर दी गई है, डेट आ चुकी है। तो उसको लेकर मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, डेट आपकी कब तक आएगी और आपका एग्जाम की जो डेट है वो कौन सी होने वाली है, सेप्टेम्बर के अंदर या फिर अक्टूबर के अंदर। साथ में वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर वन के अंदर सेफ स्कोर क्या हो सकता है और कितनी तैयारी आप लोगों ने अभी कर रखी है, आपका मॉक के अंदर कितना स्कोर आना चाहिए जिससे कि आप लोग टीयर वन क्वालिफाई कर लें, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाने वाला है, सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ये है प्रीवियस ईयर का डेटा जिसके अंदर यहाँ पर आपकी ईयर्स लिखी हुई है, ये आपकी वैकेंसीज लिखी हुई है, टीयर टू के अंदर कितने लोगों को क्वालिफाई कराया गया था वो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से सारी की सारी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। कट ऑफ एक चीज बता दूँ कि ये जितनी भी कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है ये राउंड ऑफ कट ऑफ है, क्योंकि 150 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी, 114 प्लस समथिंग कट ऑफ थी यहाँ पर इस ये वाली, ये इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 की यानी कि लास्ट ईयर की। आपको मैं बता दूं 2022 के अंदर आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो 2023 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 7686 टोटल वैकेंसीज थी और इसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 150 नंबर। 2022 के अंदर आपकी जो कट ऑफ थी वो सॉरी आपकी वैकेंसीज थी 36001 वैकेंसीज, यहाँ पर 360,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, कट ऑफ गई थी आपकी 114। और 2023 के अंदर 71112 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था, यानी कि 9.25 टाइम्स जो कैंडिडेट्स थे उनको ही यहाँ पर इस बार बुलाया गया था इसमें। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 10 टाइम्स 2022 के अंदर बुलाया गया था। 7621 वैकेंसीज थी आपकी 2021 के अंदर, यहाँ पर आपका 113,884 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया था। ऐसे ही 2020 के अंदर भी कैंडिडेट्स को काफी सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, वैकेंसीज यहाँ आप देख सकते हैं 7108 थी और जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वो 15 गुना के आसपास बुलाया गया था। सिमिलरली 2019 के अंदर भी आपका 8428 वैकेंसी थी, 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली वैकेंसीज, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वैकेंसीज आपकी जो सिमिलर हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं 7686 हैं और यहाँ पर 7621 वैकेंसीज हैं, लेकिन कट ऑफ के अंदर 2023 के अंदर और 2021 के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी कट ऑफ 130 गई थी 2021 के अंदर और यहाँ पर कट ऑफ गई है सिर्फ 150। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देखिए 71,000 के आसपास बुलाए गए थे, यहाँ पर 113,000 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये कट ऑफ है जो कम गई है, यहाँ पर भी कट ऑफ कम गई है। अब ये वाला 2019 वाला आप देखिए 125,279 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, बट कट ऑफ यहाँ पर 148 गई थी, तो यहाँ पर जो इनका एग्जाम का लेवल था वो काफी अच्छा लेवल था, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ये वाली कट ऑफ, तो यहाँ पर वैकेंसीज आपकी काफी सारी थी और कैंडिडेट्स को भी काफी सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं कट ऑफ को लेकर। आपको एक चीज और बता दें कि ये जो भी कट ऑफ लिखी हुई है यहाँ पर, जो भी कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी कैटेगरी की बात करें, वो सारी की सारी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ है, यानी कि जो सेफ स्कोर रहा होगा वो आपका रॉय स्कोर रहा होगा, तो रॉय स्कोर आपका जो कम ही रहता है, उससे ज्यादा ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2023 के, तो 2023 के अंदर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हुआ था सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट का, यहाँ पर ये देखिए आप लोग, और इसके मिडिल में जो शिफ्ट है वो है 21 जुलाई 2023 वाली जो शिफ्ट है, जो कि शिफ्ट नंबर है 2 यहाँ पर, और लगभग आपका 39 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें से बीच वाली जो शिफ्ट है वो है ये वाली, जिसके अंदर इससे ऊपर और इससे नीचे बराबर शिफ्ट थी, 19 शिफ्ट थी यहाँ पर, 19 शिफ्ट इससे ऊपर थी और 19 शिफ्ट इससे नीचे थी, ठीक है। और कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर ये मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है 150 वाला, जिसके अंदर 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 के अंदर 149 अगर कोई कैंडिडेट नंबर लेके आ रहा था उसको सिर्फ एक नंबर का ही फायदा मिला था, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पर ये रही होगी, मिडिल की शिफ्ट है आपकी ये वाली, इसके अंदर आपका 142 से लेके 150 कट ऑफ गया है, यानी कि यहाँ पर लगभग 8 नंबर का आपको जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपको मिला है, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर मिला था, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, मतलब ये वाली जो शिफ्ट थी सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट थी। तो जो कैंडिडेट 26 जुलाई शिफ्ट 1 के अंदर 126 स्कोर लेके आ रहा था वो भी सिलेक्शन ले रहा था, जो कैंडिडेट 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 के अंदर 149 नंबर लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो पा रहा है। तो मैं एक स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ कि लगभग 8 नंबर का यहाँ पर मैं अगर नॉर्मलाइजेशन लेके चलता हूँ कि एवरेज जो है 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिला था। और इसके बाद आपकी जो वैकेंसी है 2023-24 के अंदर वो है आपकी 17,727 वैकेंसीज हैं, तो मैंने ये यहाँ पर आपका लिख दिया है। अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर 9 गुना या फिर 9.5 टाइम्स ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाने वाला है, तो लगभग यहाँ पर आप समझ सकते हैं 168,406 कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है। आपकी वैकेंसीज हैं 17,727 और स्टैंडर्ड मैंने माना है 2023 वाला, यानी कि 9.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है।
मैं मान के चलता हूँ इतना भी नहीं बुलाया जाता है, 1,60,000 तो बुलाए जाएंगे भाई, 1,60,000 कैंडिडेट्स को तो बुलाया जा सकता है। तो अब ये जो कैंडिडेट्स हैं ये अभी भी 70,000 से काफ़ी ज़्यादा है, जो आपके 70,000 बुलाए गए थे ना 2023 के अंदर, उससे तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है या फिर आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छा अपडेट है जो कि टेस्ट बुक की तरफ से आ रहा है आपका। आप सभी लोग चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर पास प्रो का जो प्राइस है वो काफी कम कर दिया गया है। अभी आपकी सेल चल रही है सिलेक्शन मेरा हक सेल, जो कि 28 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक रहने वाली है। प्राइस आपका रहेगा यहाँ पर 395। आप मेरा कोड यूज करना ABHI18 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक परचेज करने का आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। सीजीएल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आपकी पीवाईपीस काफी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तो पीवाईपीस आपको यहाँ पर 254 मिलने वाले हैं और टोटल आपको जो मॉक टेस्ट है 931 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट आपको अलग से मिलेगा, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा आपको, और 12 प्लस लैंग्वेजेस के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैं टेस्ट बुक के पास प्रो को ही क्यों यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना टेस्ट बुक के, जो आपके जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इनके पेपर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोगों को भी बहुत कम प्राइस पर मिल रही है, लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, तो फटाफट से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। अब बात करते हैं सेफ स्कोर के लिए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 150 नंबर यानी कि 126 वाले का भी जो सिलेक्शन था वो हो रहा था, 149 वाले का भी सिलेक्शन हो रहा था, और भी आपको पता है कि 8 नंबर का तो नॉमिनेशन आपको लगभग मिला था लास्ट ईयर। इस बार अगर हम बात करें कि पेपर का लेवल जो है आपका 2023 के तरह ही रहता है, यानी कि जो पेपर है वो उसका लेवल जो है 2023 की तरह रहता है टीयर वन के लिए, तो आपको कितना नंबर लेके आना है, तो मैं यूआर के लिए बात करता हूँ। यूआर के लिए लगभग मैं यहाँ पर 135 का लिखता हूँ। ये आपका जो मैंने ये वाली जो आपकी जो यहाँ पर ये नंबर लिख रहा हूँ ये आपका रॉ मार्क्स रहने वाला है, यानी कि रॉ मार्क्स। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि आपका किस शिफ्ट में पेपर होने वाला है और कितना आपका नॉमिनेशन होने वाला है, कितना हार्ड आने वाला है, कितना ईजी आने वाला है। वहीं अगर मैं ओबीसी के लिए बात करता हूँ तो 130 के आसपास आपका जो स्कोर है रॉ मार्क्स वो आपका होना चाहिए, यानी कि ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है, ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। और आप जैसे आपको आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको आपके स्टेट के अंदर चाहिए होता है या आपको मनपसंद आपकी जॉब चाहिए होती है, तो वो लोग यहाँ पर टॉप रैंकर्स होते हैं, वो लोग अपना जो है टारगेट स्कोर 140 प्लस लेके चले, 140 प्लस लेके चले वो लोग, उनको मन चाहिए आपकी पोस्ट भी मिल जाएगी, मन चाहिए आपकी लोकेशन भी मिल जाएगी। वहीं अगर EWS की बात करते हैं तो EWS के लिए आपका 128-127 जो है आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर SC ST की बात करता हूँ तो SC ST के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आपका 125 प्लस जो आपका स्कोर है वो होना चाहिए, यानी कि ये आपका रॉ स्कोर होना चाहिए, ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के आसपास आपकी जो है कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं पिछले साल से लगभग आपके पास डबल बुलाए जा सकते हैं और डबल से ज्यादा ही बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ आपकी डेफिनेटली कमी जाने वाली है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टीयर वन आप लोगों का अभी अब बात करते हैं कि आपकी डेट कब तक आने वाली है, टीयर वन आपका कब तक होने वाला है। कल एक आप लोगों ने मेरे को बहुत कॉमन मैसेज किया है कि जो डेट है वो आ चुकी है, यानी कि सेप्टेम्बर 9 से हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाने वाला है और सेप्टेम्बर मिड तक हमारा एग्जाम जो है शायद चलने वाला है। तो ये आपका मेरे पास मैसेज आ रहा था, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके चलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर आपका ये है आपका CGL का मेरे ख्याल से, ठीक है। CGL का जो एग्जाम है आपका टीयर वन के लिए वो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि कंबाइंड आपका जो हायर सेकेंडरी यानी कि CHSL का जो एग्जाम है वो आप लोगों का अभी टीयर टू का कंडक्ट करवाया जाने वाला है, वो आपका सिर्फ एक दिन में होने वाला है, यानी कि एक दिन में आपका टीयर टू का पेपर होने वाला है, जिसका एग्जामिनेशन भी आपका सेप्टेम्बर में ही होने वाला है, जो भी एग्जाम आपका जो है सेप्टेम्बर में होने वाला है। इसके बाद आपका CPO का पेपर टू, CPO का फिजिकल जो कि आप लोगों का शायद सेप्टेम्बर में होने वाला है, और इसके साथ साथ आपका जो है एक एग्जाम और है जो कि मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ। इससे पहले आपका हुआ था CPO का, ये हो गया, ठीक है, मैंने ये आपको बता रखा है। इसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट, ये तो एग्जाम आपका होने वाला है नहीं, और अभी आपका एक स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। स्टेनोग्राफर का मेरे ख्याल से इसका अक्टूबर से नवंबर में, ये तो आपका बाद में ही जाने वाला है। तो सेप्टेम्बर के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स होने बाकी हैं। अभी आपका सेप्टेम्बर के अंदर ही आपका मेरे ख्याल से CHSL का टीयर टू होने वाला है और आपका CPO का फिजिकल या फिर CPO का पेपर टू होने वाला है, और भी एक आध छोटे मोटे एग्जामिनेशन होने वाले हैं सेप्टेम्बर के अंदर। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपका जो एग्जाम है टीयर वन का CGL का वो सेप्टेम्बर में होता है। सेप्टेम्बर में अगर होगा भी तो लास्ट सेप्टेम्बर में आपका हो सकता है, इसके चांसेस मेरे को बहुत लेस लग रहे हैं कि लास्ट सेप्टेम्बर में आपका टीयर वन जो है CGL का करवाया जाए। तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही अगला महीना बचता है, यानी कि सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर हाईली चांसेस हैं फर्स्ट अक्टूबर यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवा लिया जाए अक्टूबर के अंदर,
जिसमें कि आपके जो डेट्स होती हो सकती हैं वो आपकी 1 अक्टूबर से लेके मेरे ख्याल से वो 15 अक्टूबर के आसपास आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना आने वाला है और नवंबर के महीने के अंदर भी आपके कुछ एक एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर का होने वाला है, जूनियर हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर का एग्जाम जो आपका होने वाला है वो भी आपका नवंबर के अंदर होने वाला है, और साथ में ही आपके पास दिसंबर के अंदर भी फिर एग्जाम होने वाला है जो कि आपका CGL का टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। वो ज्यादा शिफ्ट में नहीं होता है, टीयर जो आपका 1 का एग्जाम है CGL के लिए वो आपका काफी सारी शिफ्ट में होने वाला है। लगभग पिछली बार जब 39 शिफ्ट में हुआ था, इस बार तो आपके बहुत सारे फॉर्म्स पड़ने वाले हैं, उसको लेकर भी मैंने RTA लगा दिया, फॉर्म्स कितने पड़े हैं वो जैसे ही आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इस बार तो लगभग मेरे हिसाब से 50 शिफ्ट से ऊपर जानी चाहिए आपका, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे फॉर्म्स पड़ने वाले हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार क्वालिफाई करने वाले हैं। 17,000 से आपकी प्लस वैकेंसीज हैं और इनके अंदर भी अभी RTA की रिप्लाईज आई है, ये भी इंक्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर और टेस्ट बुक के पासवर्ड को परचेज कर लेना, मेरा कोड लगा लेना ABHI वरेड, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है और इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। फिर बाद में मत कहना कि भैया बहुत महंगा हो गया है, मुझे मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को दिला दो, तो ठीक है, तो ये अभी आपको मिल रहा है तो फटाफट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में टेस्ट बुक का बहुत रोल रहता है, मोस्टली कैंडिडेट्स यहीं से लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।